पूर्व के टॉपिक में हमने आदत व आदतों के प्रकार और विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। अब हम अच्छी आदतों का निर्माण किस प्रकार करें इनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छी आदतों का निर्माण या फिर हम कहें तो आदतों का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं। आदतों का निर्माण करने के लिए अनेक नियम, उपाय या सिद्धांत हैं, जिनमें से मुख्य रूप से पहला है संकल्प। हम जिस कार्य को करने की आदत डालना चाहते हैं उसके बारे में हमें दृढ़ संकल्प करना चाहिए। यदि हम प्रातःकाल व्यायाम करने की आदत डालना चाहते हैं तो हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम व्यायाम अवश्य करेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसी बात को जेम्स महोदय भी एक परामर्श देते हैं। वे कहते हैं कि हमें नए कार्य को अधिक से अधिक संभव दृढ़ता और निश्चय से आरंभ करना चाहिए, तभी हमारा संकल्प पूरा होगा। अच्छी आदतों का निर्माण में हम सबसे मुख्य रूप से जो पॉइंट रखता है वो है दृढ़ संकल्प। दूसरा है क्रियाशीलता। हम जिस कार्य को करने की आदत डालना चाहते हैं उसके लिए केवल संकल्प ही पर्याप्त नहीं है, संकल्प को कार्य रूप में परिणित करना भी आवश्यक है। जैसे इसी बात को जेम्स महोदय कहते हैं कि जो संकल्प आप करें उसे पहले अवसर पर ही पूर्ण कीजिए। यानी हम जो भी संकल्प करना चाहते हैं उसका ध्यान रखना जरूरी है। आदत वाले कार्यों पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, ध्यान पूर्वक करना चाहिए और ऐसे अवसर विभिन्न अवसर मिलने पर आदत का निर्माण करना चाहिए। जहां पे भी हमें अवसर मिले वहां पे आदत का निर्माण करना चाहिए। अगला है निरंतरता। हम जिस कार्य को करने की आदत डालना चाहते हैं उसे हमें निरंतर करते रहना चाहिए, उसमें कभी भी किसी प्रकार का विराम या शिथिलता नहीं देना चाहिए। इसी बात को जेम्स महोदय कहते हैं कि जब तक नई आदत आपके जीवन में पूर्ण रूप से स्थायी न हो जाए तब तक उसमें किसी प्रकार का अपवाद नहीं होने देना चाहिए, अर्थात उसमें निरंतरता होना चाहिए, वो क्रम टूटना नहीं चाहिए। जैसे हम व्यायाम करने की आदत डालना चाहते हैं तो हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, अगर एक दिन भी हमने ढिलाई कर दी तो वह आदत बनने से रुक जाएगी और हमें आलस्य बढ़ जाएगा। लाता है अभ्यास। अच्छी आदत निर्माण के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। हम जिस कार्य को करने की आदत डालना चाहते हैं उसका हमें प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। यदि हम रोज उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, हमारी आदत नहीं बन पाएगा। यह जेम्स महोदय कहते हैं कि प्रतिदिन थोड़े से ऐच्छिक अभ्यास के द्वारा कार्य करने की शक्ति को जीवित रखिए, अर्थात जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उस कार्य को थोड़ा थोड़ा करना जरूरी है। अगर थोड़ा सा नहीं करा, जैसे कि अगर मैं व्यायाम करना चाहता हूँ या दौड़ने जाना चाहता हूँ तो एक दिन ज्यादा दौड़ लिया तो दूसरे दिन हो सकता है थकान चढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको ज्यादा ना दौड़कर थोड़ा दौड़े पर दौड़े जरूर, उसमें निरंतरता जरूर रखिए। अगर निरंतरता नहीं रही और उसका अभ्यास अपन ने प्रतिदिन नहीं करा तो वो आदत नहीं बन पाएगा। हमारे मालवा क्षेत्र में एक अच्छा सा उदाहरण भी है। एक उदाहरण क्या है, इसे हम मूल मंत्र भी कह सकते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। जड़मति मतलब जो बिल्कुल जड़ बुद्धि मूर्ख है, वो व्यक्ति भी अगर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करे तो वो भी क्या हो सकता है, सुजान हो सकता है, बहुत ही अच्छा ज्ञानवान हो सकता है। अगला आता है
अच्छा उदाहरण, अच्छे आदतों के लिए हमें अच्छा उदाहरण देना पड़ते हैं। जैसे अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए अच्छा उदाहरण परम आवश्यक है। अतः शिक्षक को अच्छी आदतों के संबंध में उपदेश देने के बजाय बालकों के समक्ष अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। यहाँ पे जेम्स महोदय फिर कहते हैं किन के लिए, शिक्षकों को परामर्श देते हैं। वे कहते हैं कि अपने छात्रों को बहुत अधिक उपदेश मत दीजिए। वे चाहते हैं कि ऐसे कार्य उनसे करवाया जाए, अच्छे ऐसे उदाहरण दिए जाए जो वाकई हुए हों। केवल उपदेश देने से कुछ नहीं होगा। अंतिम आता है पुरस्कार। अच्छी आदतों का निर्माण करने में पुरस्कार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः बालकों को अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ भाटिया महोदय कहते हैं कि बालकों को अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए या पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो अच्छी आदतों का निर्माण के लिए हमें सबसे पहले दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा, उसके लिए क्रियाशील होना पड़ेगा, उसमें निरंतरता रखना पड़ेगी और उसके लिए रोजाना अभ्यास करना पड़ेंगे, अच्छे अच्छे उदाहरण बच्चों को देना पड़ेंगे और एक पुरस्कार अच्छी आदतों का निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दे सकता है। तो इन प्रयासों के माध्यम से हम आदतों का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात और कहना बता दूं कि आदतों का जो निर्माण है वो हमारी शेषो अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। यानी जब हम शेषो अवस्था में होते हैं तो जो उस वक्त जो विकास होता है उसी वक्त से हमारी आदतें विकसित होना शुरू हो जाती है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि अच्छी आदतों का निर्माण तो छह प्रयासों से कर सकते हैं, जैसे संकल्प है, क्रियाशीलता है, निरंतरता है, अभ्यास है, अच्छे उदाहरण है, पुरस्कार है आदि के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन यदि हम में बुरी आदतें हैं और उनको तोड़ना है तो हम उनको किस प्रकार तोड़ सकते हैं? तो बुरी आदतों को तोड़ना, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ा, व्यक्ति समाज से अस्वीकृत व्यवहार को भी आदत बना लेता है। यह व्यवहार उसके जीवन का अंग बन जाता है। इस प्रकार की आदतों से उसका तथा समाज दोनों का नुकसान होता है। अतः ऐसी आदतों को तोड़ना भी पड़ता है। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए नई आदत का निर्माण करना जरूरी है। यानी कि नई आदत का निर्माण मतलब अच्छी आदतों का निर्माण। हमें बच्चों को इसके बारे में बताना पड़ेगा कि बुरी आदतों की क्या क्या हानियां हैं और बुरी आदतों को शिक्षा के माध्यम से ही तोड़ा जा सकता है। यहां पे स्टर्ल और ओगडन के अनुसार शिक्षक का कार्य न केवल आदतों का निर्माण करना है वरन उनको तोड़ना भी है। यानी शिक्षक को इतनी अच्छी उपाधियां मिल देते हैं हम लोग, हम माता पिता के बाद शिक्षकों को ही सब कुछ मानते हैं, तो शिक्षक का कर्तव्य है कि वो बच्चों की बुरी आदतों को तोड़े। अब बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? पहला है जो हमने आदतों के निर्माण में रखा था संकल्प। बालक को अपनी बुरी आदत को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए। अब ये दृढ़ संकल्प तो वो कहीं पे भी कर सकता है, कहीं कमरे में बैठ के कर सकता है, एकांत में रह के कर सकता है, लेकिन वो दृढ़ संकल्प एक व्यक्ति के सामने होगा तो वो दृढ़ संकल्प रह ही नहीं सकता है। यहाँ जेम्स महोदय का एक सुझाव है कि उसे यह संकल्प एकांत में न करके अपने मित्रों, संबंधियों, माता पिता आदि के समक्ष करना चाहिए, जिससे कि वह संकल्प को तोड़ न पाए और संकल्प भी दृढ़ होना चाहिए। दूसरा है आत्म सुझाव। बालक आत्म सुझाव द्वारा अपनी किसी भी बुरी आदत को तोड़ने में सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर एक उदाहरण ले तो यदि वह सिगरेट पीने की आदत को छोड़ना चाहता है तो उसे अपने आपसे यह कहते रहना चाहिए कि सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, इसलिए मुझे सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए। यदि अगर वो चाय पीना छोड़ना चाहता है तो उसे अपने आपको बार बार कहना पड़ेगा कि चाय पीने से
शरीर को नुकसान होता है, इसलिए मुझे चाय पीना छोड़ना चाहिए, और वो चाय के बारे में गलत गलत जो चाय से जो हानियां होती है उन हानियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए, अपने आप को उनके बारे में सुझाव देना चाहिए कि चाय पीने से मुझे ये सारे नुकसान होते हैं और मेरे शरीर में ये सब हो रहे हैं, मैं अपने आप को सुझाव दूं स्वयं को। तीसरा है ठीक से अभ्यास करना। यहाँ पे नाइट डनलप महोदय है, वे कहते हैं कि यदि बालक में कोई गलत कार्य करने की आदत पड़ गई है तो वह उसका ठीक अभ्यास करके उसका अंत कर सकता है। जैसे छोटे बच्चों में क्या होता है कि वो गलत शब्द बोलना या लिखना सीख जाते हैं, तो उनको बोलने या लिखने का सही अभ्यास करवाना चाहिए, यानी कि उनको क्या करना, अभ्यास कराना पड़ेगा कि वो सही शब्दों का इस्तेमाल करे या सही शब्दों को लिखे। ये छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा समस्या आती है, यानी वही बुरी आदत, और उसको तोड़ने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, ठीक से अभ्यास कराना पड़ेगा। अगला आता है नई आदत का निर्माण। यदि बालक किसी बुरी आदत का परित्याग करना चाहता है तो उसे उसके स्थान पर, यानी कि जो बुरी आदत को जो छोड़ना चाहता है उस स्थान की भरपाई के लिए उसे किसी नई और अच्छी आदत का निर्माण करना पड़ेगा। जैसे मैं चाय पीना छोड़ना चाहता हूँ तो उसके स्थान पर मैं फलों का जूस ले सकता हूँ या दूध पी की आदत डाल सकता हूँ, यानी कि वो स्थान को खाली नहीं छोड़ना। यदि उस स्थान को खाली छोड़ दिया तो वो हम बुरी आदत को नहीं तोड़ पाएंगे। यहाँ पर भाटिया महोदय कहते हैं कि अच्छी आदत बुरी आदत के प्रकटीकरण को अवसर नहीं देती है, अतः उनका स्वयं ही अंत हो जाता है। पांचवा है पुरानी आदत पर ध्यान। जब तक बालक अपनी पुरानी आदत को बिल्कुल न तोड़ दे तब तक उसे उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और उसके प्रति तनिक भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। जैसे मैं चाय पीना छोड़ना चाहता हूँ तो ऐसा नहीं होगी कि नहीं कहने से मैं उसको क्या करूँ पी लूँ, ऐसे कई अवसर आते हैं, तो इसके प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए, यानी मुझे छोड़ना है तो छोड़ना ही है। अगला आता है आदत का एकदम या धीरे धीरे त्याग करना। एकदम अचानक नहीं छोड़ सकते है ना। जेम्स महोदय कहते हैं कि बालक कुछ आदतों का परित्याग उनको एकदम तोड़कर और कुछ को धीरे धीरे तोड़कर भी कर सकता है। उदाहरण, यदि हम किसी नशीली वस्तु का प्रयोग करने की आदत है तो वह उसका प्रयोग सदैव के लिए एकदम बंद कर सकता है। यदि आदत इससे कम खराब है तो वह धीरे धीरे तोड़ सकता है। उदाहरण वही, जैसे हमें चाय पीना धीरे धीरे कम करके बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। अगला है अप्रत्यक्ष आलोचना। बालक में कुछ आदतें संवेगात्मक असंतुलन के कारण होती है, जैसे नाखून चबाना या मुंह में कलम रखना। शिक्षक इस प्रकार की आदत की अप्रत्यक्ष आलोचना करके उसको तुड़वा सकता है। उदाहरणार्थ वह बालक को यह कह सकता है कि नाखून चबाना हानिकारक आदत है क्योंकि नाखूनों में गंदगी भरी हुई रहती है और वो हमारे पेट में पहुंच सकती है और हमारे को अस्वस्थ कर सकती है, यानी कि हम अप्रत्यक्ष रूप से उस चीज की आलोचना करते हैं। संगति में परिवर्तन। कभी कभी बालक में बुरे बालकों की संगति के कारण चोरी करना, झूठ बोलना, विद्यालय से भाग जाना आदि कोई न कोई बुरी आदत पड़ जाती है। ऐसी दशा में शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि बालक बुरी संगति को छोड़ दे। इस कार्य में माता पिता का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। अगला आता है दंड। शिक्षक दंड का प्रयोग करके बालक को बुरी आदत को तुड़वा सकता है, पर दंड गलत कार्य के तुरंत बाद दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दंड हम बाद में दें। बहुत कम समय बाद दिए जाने वाले दंड को बालक अपने प्रति अन्याय समझता है। इसी बात को बोरिंग, लैंगफील्ड और विल्ड महोदय मिलकर कहते हैं कि कभी कभी दंड आदतों को तोड़ने में लाभप्रद होता है, पर दंड उचित अवसर पर ही दिया जाना चाहिए।
अगला आता है पुरस्कार। बालक की बुरी आदत तुड़वाने के लिए पुरस्कार का सफलता से प्रयोग किया जा सकता है। इस संबंध में वापस बोरिंग लैंगफील्ड और वर्ल्ड कहते हैं कि पुरस्कार दंड से उत्तम है, प्रशंसा निंदा से उत्तम है। शिक्षा के द्वारा हम व्यक्ति के व्यवहार को वांछित दिशा में प्रयास करके उसमें स्थायित्व ला सकते हैं। शिक्षा में आदत का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।